एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के अंदर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। जिस तरह से जो है चुनावों में, जी हां, कारगिल में जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, उसका जश्न जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। आइए आपको भी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर जश्न सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस तरह से जो है खुशी का इजहार किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है लद्दाख स्वायत्ता पर्वतीय विकास परिषद के चुनावों में जो है बाजी मारी है। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मेरे साथ हैं, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करगिल में बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता है और इस बात का इसकी मुबारक मैं करगिल के लोगों को भी देता हूं, करगिल के लोगों को सैल्यूट करता हूं, अपने जो करगिल के वर्कर्स हैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि हमारी जो लीडरशिप है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अबर अब्दुल्ला साहब, उनकी भी क्यादत की जो है ये एक लोगों ने उस पर भी मोहर लगाई है कि इनके बिना रियासत आगे नहीं चल सकती। सदोत्रा साहब भाजपा का MP था वहाँ पर, भाजपा के नुमाइंदे थे वहाँ पर, तो भाजपा को जो है करारी हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कहना चाहते हैं? ये तो स्वाभाविक था, सब लोग जानते थे कि जब भी इलेक्शन होगी बीजेपी हारेगी, इसीलिए तो बीजेपी इलेक्शन नहीं करा रही, बीजेपी डर रही है। और मैं समझता हूँ जो उनका डर का वो था, वो उनका डर विंडिकेट हो गया, भाई हाँ हम डरते हैं, हमारी बात साबित हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी इसलिए इलेक्शन नहीं करा रही, मगर लोग भी चाहते हैं इलेक्शन हो। कल तमाम अपोजिशन पार्टी जो हैं वहाँ धरना इसलिए दे रही हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी बहाल हो, इलेक्शन हो, लोगों की मुश्किल जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन से हल नहीं हो सकती जब तक के ऊपर पॉलिटिकल लोग ना हो। अगर आप देखेंगे सेक्रेटरीट जाएंगे वहाँ सन्नाटा छाया होगा, कल अगर पॉलिटिकल सरकार आती है लोग अपनी डिमांड लेके जाएंगे, अपने मसले ले जाएंगे, लोगों को राहत मिलती है। तो ये सरकार में और लोगों में बड़ा गैप है, इस गैप को लोग ट्रांसलेट करेंगे वोट में जब वोट पड़ेंगे। आपने देखा कि यहाँ जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, कहते हैं मैं 80% लोग नहीं चाहते इलेक्शन। अब इनको पता लग गया कि ये जो जम्मू कश्मीर है UT है, करगिल के लोगों ने आउटलेट बता दिया है कि ये आउटलेट कहाँ जाएगा, ये सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस की विक्ट्री की तरफ जाएगा। और परमात्मा ने चाहा, हम परमात्मा के मशहूर हैं, धन्यवाद करते हैं, अगर परमात्मा ने चाहा इलेक्शन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। और यही वजह है जो मैंने आपको कहा कि ये जो बीजेपी है इलेक्शन नहीं करा रहे। श्रेय जो है आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देते हैं या फिर जो इंडिया अलायंस बनाया उसको देते हैं? हम श्रेय देते हैं करगिल के लोगों को जिन्होंने सही फैसला किया, उन्होंने समझा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ सरकार बना के, लोकल सरकार बना के उनकी मुश्किल दूर कर सकती है। सबसे पहला श्रेय लोकल लोगों का। ये जीत किसकी है सही माने में? जीत डेमोक्रेसी की जीत है, करगिल के लोगों की जीत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत। इंडिया अलायंस की? इंडिया अलायंस तो पार्ट ऑफ इट है ना, वो तो चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जिन्होंने विजय का सहारा पहना है, उनका दावा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते तब भी वो जो है बीजेपी को करारी हार का सामना करवाएंगे और विजय का सहरा यहां पर भी असेंबली के चुनावों में कराएंगे। हालांकि जिस तरह से खुशी का माहौल जो है यहां पर साफ देखने को मिल रहा है, तो खुशी जो है बनती भी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, 12 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से हासिल की है, 10 सीटें जो है वो कांग्रेस से हासिल की है और 2 सीटें जो है वो इंडिपेंडेंट के खाते में आई है। जिस तरह से जश्न का माहौल जो है आज साफ देख रहा है, कांग्रेस की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, दोनों में जो है खुशियां जो है यहां पर साफ देखने को मिल रही है। बम पटाखे जो है वो चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ में मिठाइयों का आदान प्रदान भी किया जा रहा है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज़।